नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं बागवानी विद गौरव। आज हम अपने इस टेरेस गार्डन का मेकओवर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आप देखते रहिए। एक दो पौधा को हम, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग किए हैं, तो अभी इसको हम इधर से हिलाएंगे नहीं, हम बाकी सबको हम शिफ्ट करेंगे, एक इसको और एक उसको छोड़ के। तो आप देखिए हम अपने गार्डन को कैसे सुंदर बनाते हैं, आप देखते रहें। दोस्तों ये पश्चिम का दीवाल है और पश्चिम की दीवाल में हम फूल पौधे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये पूर्व है और यहाँ से धूप गिरेगा तो फूल अच्छे खिलेंगे। और प्लस हमारे इस दीवाल पे हर 6 महीना में या 3 महीना में एडवर्टीजमेंट होते रहते हैं, तो इसलिए हम इस दीवार पे ज़्यादा वजनी गमला हम इस पे नहीं रखेंगे, बाकी सब हम उस साइड रखेंगे, पूरब पूरब के उस दीवार पे। उसमें यह है कि छांव आता है तो बड़े बड़े पौधे रखेंगे, जिससे पूरब का रोशनी उसे भरपूर मिल सकता है और पश्चिम का रोशनी बहुत अच्छा भरपूर मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप भी मेरी तरह नेचर लवर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक नारियल का रस्सी का सहायता से पौधे को मैं उठा रहा हूँ, इससे ताकत कम लगता है दोस्तों और झुकना नहीं पड़ता है ज़्यादा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं किया है और दोस्तों हमने वीडियो को ऑर्गेनिक बनाने के लिए हमने इसका बैकग्राउंड साउंड म्यूट नहीं किया है। वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे बोरे का इस्तेमाल किया है नीचे और इसे रस्सी की सहायता से खींच लिया है। बहुत आसानी से ये वजन वाला चीज़ हमने उठा के लाया है, तो आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सब देसी तरीका है जो आपको कोई नहीं बताता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, देसी तरीके के इस्तेमाल से हमने बहुत भारी गमले को भी आराम से उठा लिया है और देखिए यहाँ पे हम दूसरा भी गमले को लिफ्ट करके ले जा रहे हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर पैरों की सहायता से जो मिट्टी जमी थी उसको निकाल लिया है। देखिए दोस्तों ये घर का ग्रो बैग है जो मैंने खुद बनाया है, आपको आई कार्ड में इसका लिंक मिल जाएगा। अपने हाथों से बनाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, काफ़ी हल्का है, इसे आराम से हम ला के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत भी है। तो आपको आई कार्ड में इसका एक बार फिर से हम लिंक डाल दे रहे हैं, आप दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में बनाया है और अगर आपको कुछ समझ ना रहा हो तो आप इसे स्लो मोशन में करके भी दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे हैं, पीले रंग का तारपोलिन है, वहाँ ओपन एरिया है, वहाँ पे कोई गिरे ना, इसलिए हमने ये पेड़ को ऐसे किनारे किनारे यहाँ पे हम रखेंगे।
अब दोस्तों एक डंडे के सहायता से आप इसे नाप ले सकते हैं अंदाजा के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक डंडे का सहायता से नाप किया है। अब थोड़ा सा दोस्तों अपने हाथों से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ये जो आप मिट्टी दिख रहे हैं, ये मिट्टी आप फेंके ना, ये बहुत इसमें बहुत पोषण तत्व है, इसे आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। दोस्तों शाम काफ़ी तेज़ हो रहा था तो हमने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, और ये झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब ये जो हम मिट्टी लेंगे इसे हम गमले में डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आम का पेड़ किनारे पे लगाया है, और कुछ देर बाद मुझे ये लगा कि ये पेड़ यहाँ पे ना हो, क्योंकि थोड़ा सूट नहीं कर रहा था जगह। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी रात हो गया था दोस्तों, हमने पूरा लाइट ऑन किया था तभी भी इसको वीडियो बनाने के लिए अच्छा लाइट नहीं मिला था, तो हमने सुबह में फिर से स्टार्ट किया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ गमले का हमने पहले ही शिफ्ट कर दिया था रात में ही, और जो आप आम के पेड़ को आपने कॉर्नर में देखा होगा वहाँ पर बड़ा वाला पेड़ चला गया और छोटा वाला पेड़ आगे आ गया है। दोस्तों ये झाड़ू लगाना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि झाड़ू लगाने से जो मिट्टी है, खरपतवार है, घास घूस है, सब ख़त्म हो जाता है, और सफाई से देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये दो अभी हमारे पौधे हैं जिसको हमने अभी रिपोर्ट किया था हाल फिलहाल में, उसे हम शिफ्ट नहीं करेंगे। और एक ये पौधा था हमारा नागचंपा का, जिसे हमने ऊपर सीधे से काट दिया है, तो उसे भी हम शेड में रखेंगे। बाकी सब पौधे को हमने अपने अपने स्थान पर इसे शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कई कई स्थानों पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जम गई थी, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए अच्छे से स्क्रैप पत्ती की हम सहायता से मिट्टी को निकाला है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि बहुत लोग आजकल जिम जा रहे हैं, और जिम में आप जान ही रहे हैं कि आजकल किसी को भी जिम करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य का इतना ही चिंता है तो आप गार्डनिंग कीजिए। आप गार्डनिंग किसी माली और किसी से न करवा के अपने से करें, और पेड़ पौधों का देखभाल करें, साफ़ सफाई करें, जिससे आपका खुद बॉडी बन जाएगा, आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको फल भी मिल जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपका टेरेस गार्डन भी बहुत सुंदर दिखने में लगेगा, और इससे आपका मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक गार्डनिंग या गार्डनिंग का शौक़ आपको नहीं है तो आप इसे अपने दिनचर्या में लाएं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना गार्डन गार्डन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यहाँ पे भी हमने पाथवे बनाया है। अभी ये लौकी का फूल चढ़ रहा है, इसलिए हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में इसको हम करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको रस्सी से इसलिए बांधा है क्योंकि ये टेढ़ा हो रहा था, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों, और आप भी इसी तरह अपने गार्डन को संवारते रहे और मेरे साथ बोलते रहे भारत माता की जय।